हेलो फ्रेंड्स, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 रिजल्ट अपडेट को लेकर आज दिन भर मैं नहीं आ पाया, कोई न्यूज़ नहीं दे पाया। हालांकि न्यूज़ थी, लेकिन कारण था समय का अभाव। तो दोस्तों, आज धरने की जो खबर है उसका मुख्य सारांश आप सभी को मैं बता देता हूं। दोस्तों, 6 बिंदु रहे आज पूरे धरने के कार्यक्रम में, वो सभी मैं आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से अवगत कराता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु रहा वो रहा था दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, आरपीएससी को ज्ञापन दिया गया था। दोस्तों, आरपीएससी को ज्ञापन दिया गया, उसके लिए मार्च करते हुए सभी जो धरने पर कैंडिडेट थे सेकंड ग्रेड 2018 के, वो सभी मार्च करते हुए आरपीएससी गए और ज्ञापन दिया। दूसरा जो बिंदु है वो बिंदु है दोस्तों, सचिव साहब से जब डेलीगेशन के लिए 3-4 मेंबर गए और मिलने के लिए सचिव साहब ने मना कर दिया, ये दूसरा बिंदु रहा आज के धरने का। नंबर तीन दोस्तों, धरने पर जो भीड़ की बात लगातार कही जा रही है कि भीड़ किसी भी तरह बढ़ाओ, किसी भी तरह धरने पर आओ, तो भीड़ बहुत कम देखने को मिली। और आपने हैप्पी स्वामी जी ने जो वीडियो के माध्यम से बताया लाइव आकर, उसमें भी आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया था। अर्थात आरपीएससी के गेट के पास जैसे ही गए तो वहाँ से हटा दिया गया था, अर्थात कोई भी धरनार्थी अंदर नहीं जा पाया। चौथी न्यूज दोस्तों, 3 साथीगण ने आज दोस्तों आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आमरण अनशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सभी साथीगणों को कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला था, उन्हें आरपीएससी के गेट से बाहर ही वहां से हटा दिया गया था। उसके कारण 3 साथीगण ने आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, जिनमें पहला नाम बताता हूं आपको, राधे श्याम रैगर जी स्वयं, जिनके नाम से धरना चल रहा है। नंबर दो, भूपेंद्र सावरिया जी भी धरने पर यानी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और तीसरा नाम हरचंद जी, ये तीनों भाई आज से आमरण अनशन पर बैठे हैं आप सभी के लिए। पांचवा बिंदु जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने संदेश दिया है आप सभी के लिए, जो भी प्रोविजनल पास अभ्यर्थी हैं उनसे कहा है कि धरने पर सभी पहुँचें और हमारा साथ दें, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, आप सभी की है। आप सभी को रिजल्ट चाहिए और नियुक्ति भी चाहिए, तो आप सभी आए अपना साथ दें, चाहे जिनका परिणाम आ चुका है चाहे आने वाला है, सभी एक हो जाओ दोस्तों। इस तरह का सभी ने संदेश दिया है और आमरण अनशन पर आज से 3 जने तो बैठ ही गए। इसके साथ ही छठा बिंदु दोस्तों, छठा जो बिंदु, डेलीगेशन से हालांकि बात पहले नहीं हो पाई, लेकिन जब अंतिम क्षणों में बात हुई और जो रिजल्ट को लेकर जो संभावना व्यक्त की गई है, तो दोस्तों एक यही पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर देखने को मिली है कि आज कोई भी एक सब्जेक्ट का, अगर हो सकता है तो 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना बताई है धरने पर जो गए हैं, डेलीगेशन जो अंदर गया था उनके द्वारा। तो दोस्तों अब ये तभी पता चलेगा कि रिजल्ट आता है या नहीं आता है। डेलीगेशन को जो न्यूज़ मिली है रिजल्ट से संबंधित, वो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों ज़्यादा पॉसिबिलिटी संस्कृत सब्जेक्ट की बताई है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का पूरा सारांश है, जो आज धरना चला था, जो ज्ञापन दिया था। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।